दोस्तों, अगर दिवाली को अगर आपने सेलिब्रेट करना है तो आप प्लीज़ वो काम कीजिए जो आज मैंने किया है और कल भी मैं करूँगा, और अपनी लाइफ में ये काम मैं अक्सर करता रहता हूँ, वो है खुद को खुशियाँ देने के लिए आपको दूसरों को खुशियाँ देनी पड़ेगी। आपको दिवाली पर कुछ ऐसे बच्चों को ढूंढना है, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, दिवाली मनाने के लिए उनके पास उनके पिताजी नहीं हैं, उनकी माँ नहीं हैं, उनके भाई नहीं हैं, वो अपना बहुत कुछ खो चुके हैं। कई बार बच्चे भीख मांग करके ये उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए तो हम पटाखे लेकर के आएंगे, फुलझड़ियाँ लेकर के आएंगे, मिठाई खाएंगे, कपड़े लेकर के आएंगे। दोस्तों, ऐसे बच्चे आपको कम से कम पूरी साल में दिवाली के दिन इस बात का ध्यान रखना है, अपने घर में दिवाली आप मनाएं या ना मनाएं, लेकिन ऐसे बच्चों के घर में आप प्लीज़ अपने माध्यम से चिराग आप ज़रूर जलवाइएगा, उनकी आप फाइनेंशियली आप ज़रूर मदद कीजिएगा, या जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं आप उनकी मदद कीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। और मुझे ही खुशी नहीं मिलेगी, अगर इस दुनिया में कहीं भी अगर परमेश्वर है तो वो आपके इस काम से बड़ा खुश होने वाला है। दोस्तों, तो आप अपनी इस दिवाली को मनाने के लिए ऐसे बच्चों की या तो आप तलाश करें जिनकी दिवाली मनवाने के लिए आज कोई नहीं है, कोई उन पर ध्यान नहीं देता, कोई उनको भीख नहीं देता, कोई उनको पैसे नहीं देता, कोई उनकी मदद नहीं करता। आप उनकी मदद कीजिएगा, उनको मिठाइयाँ दीजिए, उनको पैसे से मदद कीजिए, उनको कपड़ों से मदद कीजिए। जाड़े आ रहे हैं, आ क्या रहे हैं, मैं तो कहूँ जाड़े आ चुके हैं, ठंड आ चुकी हैं। तो ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनको लगता है उनके तन पर कपड़े की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए, और हो सके तो इस दिवाली पर कम से कम एक बच्चे की आप प्लीज़ आप मदद कीजिए। मैं तो चाहता हूँ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की आप मदद कर सकते हैं, उनकी आप दिवाली अगर मनवा सकते हैं तो आप उनकी दिवाली मनवाइएगा। अगर आपने उनकी दिवाली मनवाई तो समझ लीजिए, आप ये विश्वास कीजिए कि आपकी दिवाली बड़ी बिंदास होने वाली है, बड़ी खास होने वाली है। ये दिवाली आपको जीवन भर याद रहने वाली है। दोस्तों, पूरे साल में जो आपने किया आज आपको थोड़ा सा यूनिक करना है। आप मार्केट भी जाएंगे, आपने देखा होगा कि मार्केट में जब आप जाते हैं तो कुछ गरीब बच्चे, जाड़ों का टाइम चल रहा है, बनियान पहने हुए नंगे पैर आपके कपड़ों को पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं और हाथ फैलाते हैं। कभी वो कोई मूर्ति हाथ में लेके रखते हैं, तस्वीर हाथ में लेकर के रखते हैं, आपसे कहते हैं कुछ दीजिए, 5 रुपए दीजिए, 10 रुपए दीजिए, मतलब 1 रुपया दीजिए। अगर आप उनको अगर 1 रुपया भी देते हो तो वो आपको कभी पलट के ये नहीं कहते कि नहीं आपने 1 रुपया क्यों दिया। लेकिन दोस्तों, 1 रुपये में क्या आता है? आप 10 रुपये दे सकते हो, आप 20 रुपये दे सकते हो। हो सकता है कि आपको 10 रुपये दे करके आपकी जेब में 10 रुपये कम हो जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में कोई जीवन समाप्त थोड़ी हो जाएगा। जितने दिए आपके घर में जलने हैं आपके घर में उतने ही दिए जलेंगे। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसके घर में दिया जलने की संभावना कम है, अगर आपने उसको 10 रुपये या 20 रुपये या 50 रुपये, मैं तो कहता हूँ आज आप दिल खोल करके दीजिए। आप दे करके आप देखिएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा। मैं करता हूँ, मैंने कोशिश की है, मैंने देखा है, जो बच्चा आपसे रुपए, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की उम्मीद कर रहा हो, अगर आपकी जेब में अगर 100 रुपए हैं तो उसे आप 100 रुपए दीजिए, अगर 200 हैं तो उसे 200 रुपए दीजिए, और फिर उसके चेहरे पर आप भाव देखिएगा, वो भाव देख करके आपकी दिवाली, आपको पूरी दिवाली तो क्या, आपको पूरी साल इतनी खुशी नहीं मिली होगी जितनी खुशी आपको
उसके चेहरे की खुशी देख करके मिलने वाली है, उस चेहरे की स्माइल देख करके आपको मिलने वाली है। अगर आपको कहीं भी कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग व्यक्ति अगर नज़र आए, आपको लग रहा हो कि इनको वाकई में ज़रूरत है, तो आप उनकी पैसे से आप मदद कीजिए। आप इस समय मत सोचिए, कम से कम दिवाली पर आप बिल्कुल मत सोचिए, और दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए, खुशियाँ फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए आप दिवाली इस तरीके से आप मनाइए। घर में मिठाइयाँ बांटिए, अपने अड़ोसी पड़ोसियों अपने रिश्तेदारों में खूब बांटिए, खूब सेलिब्रेट कीजिए, खूब मस्त रहिए, बिंदास रहिए। लेकिन उन बच्चों का जो आपके सामने हाथ फैलाते हैं, उन बुजुर्गों का जो आपको कहीं भी नज़र आ जाते हैं, प्लीज़ आप उनका ध्यान रखिएगा। उनकी खुशियों में आप अपनी दिवाली ढूंढने की, दिवाली की खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यही मेरी आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है, और आप ऐसा कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, हैप्पी दिवाली।